नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात भुइया जी। प्रभात जी, आपका सन्मार्ग लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताएं प्रभात जी कि झारखंड विकास मोर्चा के आप फाउंडर मेंबरों में से रहे हैं, आखिर अचानक आपको क्या सुझा कि भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली? क्या तकलीफ थी या फिर भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या खूबियां दिखाई दी? निश्चित रूप से जब 2014 में देश में मोदी जी की सरकार बनी थी और 2015 में माननीय रघुवर दास जी की सरकार राज्य में बनी, तो उस समय चूंकि हम लोग JVM में काम कर रहे थे, तो बहुत जो मोदी जी के द्वारा, रघुवर जी के द्वारा जो बातें कही गई थी, तो उस समय तो केवल मौखिक थी। लेकिन बाद जब समय बीतते गया, आज करीब 5 साल बीतने को हैं, 5 साल लगभग होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को, रघुवर जी की सरकार को 4.5 साल हो गया है लगभग। तो इन दिनों में जब हम काम के इनका देखते हैं, चाहे वो मोदी जी का विकास के काम हो या रघुवर जी का विकास के काम, क्योंकि हम लोग गांव के परिवेश से रहने वाले लोग हैं, हम लोग गाँव में निवास करते हैं, तो आज हम गाँव में जाते हैं तो पहले जहाँ घास फूस की झोपड़ी हुआ करता था, आज वहाँ पर पक्का मकान हो गया है। तो हम लोग पूछते हैं गांव के लोगों से, तो वो लोग बोलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा हम लोग को मकान ये मिला है। गांव में घर के बगल में उनका शौचालय बना हुआ देखते हैं, तो लोग उन्होंने गांव के ग्रामीणों से जब बात करते हैं तो गाँव के ग्रामीण बताते हैं कि नहीं भाई, ये मोदी जी के द्वारा हम लोग को मिला है, रघुवर सरकार हम लोग को देने का काम किया है। और गांव में जिस गांव में सड़क नहीं हुआ करता था, आज उस गांव में पक्की सड़कें नज़र आने लगी है, क्योंकि हम लोग तो पिछले विगत 12 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पलामू जैसा अति पिछड़ा जिला बहुत पर विकास काफी दूर है, तो एक बहुत परिवर्तन दिखता है और लगा है कि नहीं, इन विगत 4-5 वर्षों में काफी विकास हुआ है। और विकास की इन्हीं बातों को देख करके हम लोग को भी मन में लगता है कि नहीं, बाकी जो विपक्ष के रूप में जो लोग आवाजें उठाती हैं कि नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है या सरकार गलत कर रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो वो विपक्ष की जो वो बातें हैं उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। जमीन में चूंकि हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि नहीं, विकास के काम गांव तक, गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचा है। तो क्या आप भाजपा जो ज्वाइन किए, इसमें क्या कुछ आपकी शर्तें थी क्या, या फिर नहीं, किस तरह से आप कोई शर्त पर ज्वाइन नहीं किए? हम पहले भी जहाँ काम करते थे कोई शर्त नहीं था, आज भी जहाँ हम काम करने आए हैं कोई शर्त नहीं है। बस इतना ही, एज ए मैंने युवा होने के ना, हाँ, सोच के तहत मुझे इतना ही लगता है कि जो देश और राज्य में मोदी जी की सरकार और रघुवर जी की सरकार विकास के काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, तो हम युवाओं को इसमें जुड़ करके उनमें सहयोग करना चाहिए और उसमें ताकत देना चाहिए ताकि और रफ्तार से विकास हो सके। तो आप तो दो दो बार पलामू से चुनाव लड़ चुके हैं, खास करके लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, तो इस बार तो आप चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपना प्रत्याशी BD राम जी को बनाया है, जो कि पूर्व पुलिस मुखिया भी, प्रदेश पुलिस मुखिया भी रह चुके हैं। तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे, उनको जिताने में? तन मन धन से, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और एक सिपाही के रूप में जहाँ भी मुझे पार्टी जिम्मेवारी देगी, हम पूरे तन मन धन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने पार्टी के प्रति, अपने जो वहाँ पर कैंडिडेट है पलामू लोकसभा में श्री BD राम जी के प्रति, पूरे ताकत के साथ हम मदद करने का काम करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। जैसे दो बार आप चुनाव लड़े थे, मुझे जहाँ तक याद है कि तीसरे नंबर पर आप एक बार थे, एक बार चौथे नंबर पर थे जी, तो आपके वोट भी ज़्यादा है। तो क्या आपके तमाम वोटर इस बात से सहमत होंगे कि आप पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे और अभी आप चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या वो वोटर आपके कहने से शिफ्ट होंगे? निश्चित रूप से, जो हमारे वोटर हैं, चाहे हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग चूँकि आपस में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, हम लोग का सोच लगभग एक जैसा है, तभी हम लोग एक साथ काम करने में इतने वर्षों से, चूँकि लगभग 12 वर्षों से हम इस राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो इतना लंबा समय अगर एक तरह का सोच नहीं रहेगा तो हम लोग इतना बड़ा काम एक साथ इतना देर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि हम जो जो भी निर्णय लिए हैं
उसमें तमाम लोगों की सहभागिता है, सभी लोगों का राय है और इसके बाद ही मैं ये निर्णय लिया हूँ, इसलिए उनको कोई काम करने में दिक्कत नहीं है। तो इस बार वहाँ से आप लोग भाजपा को जिताने में आपकी ताकत के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी से हमारी यही उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी सड़क से लेकर के राष्ट्र तक को सुदृढ़ और सुरक्षित कर रहे हैं लगातार 20 घंटा 18 घंटा मेहनत कर करके, तो जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र मजबूत रहेगा, हमारा समाज मजबूत रहेगा, तो निश्चित रूप से हम भी मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। झारखंड विकास मोर्चा में आप क्या कमी पाते थे? झारखंड विकास मोर्चा में कोई कमी की बात नहीं है, हम लोग वहाँ भी पूरे तन मन के साथ पिछले मतलब ये कि पहले राज्य की क्षेत्रीय पार्टी में थे, अब राष्ट्रीय पार्टी में चले गए, तो हाँ जो विकास के जो काम है जो लगातार हम देख रहे हैं कि मोदी जी और माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में एक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, हम लोग को लगता है कि इस विकास के जो धारा है उसको और स्पीड किया जाए, हम जैसे युवा लोग जब मिलजुल करके सहयोग करेंगे तो विकास की जो और गांव तक पहुंचा है वो गलियों जंगलों तक भी पहुंच जाए जल्दी, यही होगा हम लोग युवा नहीं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम दूसरे पार्टी के नेता अगर आ रहे हैं तो अपने यहाँ एडमिट कर ले रही है, तो फिर तो इनकी अपनी विचारधारा तो होगी नहीं, फिर तो गड़बड़ा जाएगा इसका, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा, या फिर उस विचारधारा को लोग पकड़ करके नहीं चल पाएंगे? नहीं, जो लोग आ रहे हैं तो शुरुआती दौर में लोगों के पास थोड़ा सा ये होता है कि लोग एक दूसरे विचारधारा से आते हैं, फिर एक नई विचारधारा में शामिल होते हैं, तो थोड़े देर के लिए लोगों को महीना दो महीना के लिए ऐसे दिक्कत होता है एडजस्ट करने में, लेकिन जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ कि अमूमन देखिएगा किसी भी पार्टी का जो विचारधारा है कमों पेशी सब लोग एक दूसरे की विचारधारा को जानते हैं, समझते हैं, बस यही होता है कि आपकी किस विचारधारा आप अच्छी से मैंने प्रोमिनेंट रूप से आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं किस विचारधारा को, और खास करके बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो देश के लिए सोच है, समाज के लिए सोच है और जो विकास के लिए सोच है, बस इतना ही हम लोग यही चाहते हैं कि भाई ये दो तीन बिंदु है जिस पर सरकार काम कर रही था, हम लोग उसमें सहयोग करें सरकार को। तो भारतीय युवा खास करके प्रभात भुइयां जैसे युवा यही चाहते हैं कि हमारा झारखंड विकास करे, हमारा देश विकास करे, तब स्वतः हम विकास करेंगे। आज बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।